इसमें का मनीषा का कुछ भी दिए हैं और दीदी का ही दिया था साड़ी, तो दीदी नहीं ली, बोली कि हम नहीं पहनेंगे, आप ही पहनिए उसको। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बहुत सारा रीज़न हो सकता है इस ब्लॉग को बनाने का। पहला रीज़न ये है कि हम लोगों को जाना है अभी शादी में, तो मैं अभी पापा से बोला, पापा क्या ज़रूरत है शादी होती में जाने का, सब घर बोझ और बोझ में क्यों जा रहे हैं। तो पापा ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के मुझे भी लगा कि हाँ जाना चाहिए। तो पापा ने ये जवाब में दिया कि बोले कि अगर आप नहीं जाओगे किसी के शादी में तो वो आपके शादी में कैसे आएंगे। जैसे आप सपोज कीजिए मोहल्ला में ही कोई कार्ड थोड़ी आपको आके दे देता है हर दिन, नहीं, कार्ड उसी को मिलता है जो होता है VIP, जिसको लोग क्या करता है कि मानता है दिल से, उसको ही कार्ड दिया जाता है। तो मेरे दिमाग में लगा ओ, तो हम लोगों के घर में लगभग बहुत, मतलब हम लोगों के नहीं सबके घर में कार्ड तो बहुत आता होगा, लेकिन जाते बहुत कम लोग हैं। लेकिन हाँ, तो ये चीज़ से मुझे समझ में आ गया कि हाँ जाना चाहिए। तो आज जिसके शादी में हम लोग जा रहे हैं वो और कोई नहीं है, हमारे पंडित जी जो हैं उनकी लड़की का शादी है। तो मम्मी ने कुछ उनके लिए गिफ्ट भी लिया है और अब हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। तो पापा के बात पे आप लोग कौन कौन सहमत है जरूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट जो चीज़ है, लग रहा है पापा जी मोबाइल लग रहा है फिर छोड़ दिए कहीं। तो नेक्स्ट जो है ये शर्ट जो है कैसा लग रहा है, क्योंकि ये कोई गिफ्ट किया है, कौन किया है आप लोग बस गेस कीजिएगा। चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आके। और मम्मी का जो लुक होगा वो एकदम, मतलब लगेगा ही नहीं कि वो मम्मी है बड़ी, जिनका अब लड़का का सबका साथी हो, इतना खतरनाक लुक के साथ आप लोगों के सामने आ गई हैं। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में पसंद आया है। कमेंट जो करेगा उसको पूरा एकदम भरपूर रिप्लाई भी दिया जाएगा। लव यू ऑल। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए। और ये शर्ट कैसा है पहले फिर से बता दीजिए, चलिए दिखाते हैं। बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी अब जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं। और कैसा लग रहा है ये पूरा साड़ी देख सकते हैं आप लोग। अभी मम्मी आप लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या मैच पहने हैं, यहाँ चूड़ी इसका मैच पहन रहा है ये इसका मैच पहन रहा है ये कान का। तो आप लोगों को तो ये कान वाला देख सकते हैं आप लोग, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगेगा जब हम छोटी बहुत ही, ये नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि बड़ाई करती है। नहीं, जब हम पहन लेंगे तो मेरे पास सब अच्छा लगता है। तो ये वाला देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त है। तो यहाँ ये और ये इसी का लग रहा है, इसी का मैचिंग है। सब लोग रखते हैं कि टाइम पर पहन के काम में थोड़ा जाना है तो थोड़ा सा अलग अलग क्या मैंने रात में हो जाएगा उधर से आने में मे बी। हाँ देखते हैं हम माहौल कैसा है उस हिसाब से आप लोग को वीडियो मिलेगा। हम लोग को दो दो को न्योता में जाना है। तो पापा जी बोल रहे थे न्योता में जाना चाहिए, नहीं तो आपके पास कोई नहीं आएगा ऐसा, क्यों? तो आप इससे एग्री हैं? और दूसरा दो तली वो लूज है। चलिए गाइस, और ये कैसा लगा साड़ी, कब ली है मम्मी साड़ी है? इसमें का मनीषा का कुछ भी दिए हैं और दीदी का ही दिया था साड़ी, तो दीदी नहीं ली, बोली कि हम नहीं पहनेंगे, आप ही पहनिए उसको, दूसरा हम दे दिए क्योंकि हमको ब्लैक अच्छा लगता था। हम गए थे दुकान से तो ब्लैक ले लिए थे और वो बोली कि आपको रख लीजिए आप पहनिएगा हम नहीं पहनेंगे, इतना ना कमेंट उस समय लोग कर दिया था इसीलिए वो नहीं ली दीदी। कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं ठीक है। तो कान का पहन रहे थे इतना बड़ा नहीं पहन पाए, इसको पहन लिए, ये इसका मैच भी हो जा रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ पे कितना इतना सारा कार्ड जो गाइस हम बोल रहे थे पापा के बारे में कि पापा बोल रहे थे कि हाँ जाना बहुत जरूरी है, सब देख रहे हैं कार्ड की कहाँ कहाँ आज एक डेट पर है, नहीं तो अगर आप नहीं जाओगे तो कोई नहीं आएगा। और कार्ड उसी को मिलता है जो एकदम करीबी होता है, ऐसा नहीं है कि अब कोई भी मोहल्ला में चाहे जो भी जाए सभी
जो अगर जो अपना रहता है, जो अपने रिलेशन का चाहे जो आ सकते है उसको दिया तो जाता है। इतना सारा कार्ड है, सब चेक कर रहे हैं पापा जी बैठे हुए हैं। अब बताइए मम्मी की क्या, अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, जा रहा है और शादी है एक, इसमें हमारे पंडित जी जो पुरोहित हैं हम लोग यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी बेटी का शादी है, तो भेजे वो आके घर पर कार्ड भी दिए थे हैं पतार का, लेकिन हम लोग रकौली के हैं, तो वहाँ से वो आते थे हमारे यहाँ पूजा कराने, चाहे आते हैं अभी, अभी भी आ रहे हैं, आते हैं जब भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है तो आकर पूजा कराते हैं। उनका बेटी का शादी है और बेटी का जब शादी होता है तो हम तो अपने तरफ से सोचते हैं कि कुछ अच्छा देना चाहिए, तो यहाँ पे साड़ी है, थोड़ा इसका क्लोथिंग जो है हो गया है, यहाँ पे है ये साड़ी और पेटीकोट का कपड़ा ब्लाउज। और यहाँ अब बताइए आप लोगों को और भी मम्मी कुछ देने वाली है, और यहाँ पे लड़का के लिए कपड़ा यहाँ है, पैंट शर्ट का कपड़ा ये पैक करके उनको देना है, और बेटी का तो शादी होता ही है बहुत कष्टदायक, और बेटी ना रहे तो ये पृथ्वी चलने वाला भी नहीं है, कहीं ना कहीं जाके किसी के घर का बहू बनना है, तो अच्छा है हम लोग जा रहे हैं वहाँ से, और वैसे भी हम लोग खाएंगे नहीं, बेटी के यहाँ का कन्यादान का है ये जो भी होता है, तो अक्सर हम लोग बेटी के यहाँ जाते हैं किसी का बरात वगैरह में तो सोचते हैं कि ना खाए, और हम लोग गिफ्ट पर क्या तो और गाइस आप लोगों को बताते हैं, बता देते हैं, यहाँ पे एक थाली है जो कन्यादान में आता है, और ये लोटा और एक ये चुन्नी ऑनलाइन मंगाए थे हम, और सोना या चांदी कुछ दान करना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए, तो ये बिछुआ है पैसा, खास करके वो तो हमारे पंडित जी भी हाँ पुरोहित हैं, और ये बिछुआ हम उनको दे रहे हैं बेटी के कन्यादान में, तो यथाशक्ति जितना हो उतना लड़की के शादी में हेल्प करना चाहिए, और भगवान हम लोगों पे हम मतलब हमेशा हम लोगों भगवान हैं ही, आप लोग भी हैं साथ में, तो ये बहुत अच्छा लगता है देना, और यहाँ पर लड़का के लिए ये कपड़ा, तो ये सब हो गया, और आप बताइए पापा जी कि हम लोगों को किसी को कुछ पर बोलना चाहेंगे आप? नहीं, पंडित जी हैं हमारे हैं, पुरोहित हैं, पूजा कराते हैं, शुरू से संबंध है हम लोगों का, आज उनके बच्ची का शादी है, तो सबसे पहले तो हमको वहाँ जाना चाहिए, और हम जा रहे हैं, हम लोग संयोग से हम इस समय हैं, इसके पहले एक और था मेरे गुरुजी के यहाँ, तो मैं गुरुजी के यहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन हम लोग जाएंगे, अभी हमको याद आ रहा है कि उनका 2 मई को था, नहीं जा सके, अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा कि इस मौके पर जाना चाहिए, लेकिन आज खुशी है कि यहाँ हम जा रहे हैं और सब ठीक है, आप लोग देखिए आगे क्या होता है। वो आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, सब लोग साथ में जा रहे हैं और मतलब मज़ा ही दुगुना हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं और घूमते घामते जाते हैं। अभी आवाज़ जो आ रहा है वो सेंट का आ रहा है, वो अभी वहाँ पे एकदम सेंट से सेंट मार रही है, बस अभी हम भी लगा लेंगे, गर्मी का टाइम आ जाएगी इसलिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म, और अपने छोटे भाई को खूब सारा प्यार दीजिएगा जैसे हर ब्लॉग में देते हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगा वीडियो को जाते जाते कि बहुत जल्द एक खतरनाक सा ब्लॉग आने वाला है जो कि मेरी दीदी का होने वाला है एंट्री, क्योंकि अब मम्मी को भी मतलब रात में या कभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे होगी कैसे नहीं हो, तो वो हमेशा सोच रही हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण ही वो वहाँ पे अभी है, लेकिन हाँ वो जल्दी आएगी। चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म, और मेरा भांजा या भांजी आने के लिए तैयार हो रहा है, बाय बाय।